नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात अंग प्रत्यारोपण में धांधली की। करीब एक महीने पहले राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों के अस्पतालों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट में घोटाले की खबरें दिखाई थी, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की। राजस्थान के एसीबी ने इसी साल 31 मार्च को एक शिकायत के आधार पर एसएमएस हॉस्पिटल में छापा मारकर फर्जी एनओसी के दस्तावेज बरामद किए थे और कई लोगों को पकड़ा भी था। इसके बाद कड़ियां जुड़ती चली गई और पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ है और जांच में पता चला है कि किस तरह से राजस्थान के जो 15 अस्पतालों में अंग प्रत्यारोपण किए जा रहे थे, जिनमें 4 सरकारी और 11 निजी अस्पताल हैं, एक साल में 945 अंग प्रत्यारोपण हुए हैं 82 सरकारी अस्पतालों में और 863 निजी अस्पतालों में हुए। कमेटी को 933 का रिकॉर्ड मिल चुका है और इन 933 में से 882 किडनी और 51 लिवर के थे। बड़ी बात ये रही है कि 269 मामलों में डोनर और रिसीवर रिश्तेदार नहीं थे। तो एक साल में 171 अंग प्रत्यारोपण विदेशी नागरिकों के थे, जो कि जयपुर के 4 बड़े अस्पतालों में हुए। इनमें फोर्टिस अस्पताल में 103, ईएचसीसी में 34, मणिपाल हॉस्पिटल में 31 और महात्मा गांधी अस्पताल में 2 ट्रांसप्लांट हुए। तो अब इस सिलसिले में कई लोगों पर कार्रवाई हुई है। और आपको ये बता दें, जो मंत्री जी है वो बता रहे हैं कि फर्जी एनओसी का मामला सामने आया, उसके बाद अस्पतालों के रिकॉर्ड जब्त किए गए। सब तथ्य को देखकर और ये जो रिपोर्ट आज आई है, हमने उनको जो है 16 सीसीए का नोटिस आज ही हमने थमा दिया है दोनों को, और डॉक्टर बागड़ी को हमने सस्पेंड करके और हटा दिया है वहां से, उनके पद से हमने हटा दिया है उनको, और 16 सीसीए का हमने नोटिस दिया है। हम वापस दोनों कमिटीज को वापस लाएंगे, एडवाइजरी एंड ऑथराइजेशन, और एक हम एसओपी बनाएंगे फ्रेश माइंड से कि हम इसको वाटर टाइट और फुल प्रूफ सिस्टम ऐसा बनाएंगे। और देश की आबादी को देखते हुए प्रत्यारोपण के मामले बहुत ही कम होते हैं। अगर ये सही संख्या में हो तो ना जाने कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन इनमें सबसे बड़ी समस्या है कम अंगदान और सरकारी कायदे कानून। अंगदान को लेकर लोगों के मन में कई तरह की गलतफहमियां और अंधविश्वास रहते हैं। अंगदान से जुड़े नियम भी हर राज्य में अलग अलग हैं। इन सब वजहों से गैर कानूनी प्रत्यारोपण के मामले बढ़ते हैं, जिनमें कायदे कानूनों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है और दलालों के गिरोह काम करते हैं। फर्जी कागजात तैयार होते हैं, लोगों को पैसे देकर अंग उनके खरीदे जाते हैं और पैसे देकर ही अंग प्रत्यारोपण होता भी है, यानी हर स्तर पर पैसे का लेन देन होता है। लापरवाही भी कई मामले सामने आते रहे हैं। दक्षिण भारत में ये सुव्यवस्थित है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा किस तरह से राजस्थान, महाराष्ट्र, कुछ राज्यों की जब ये खबरें सामने आईं तो सवाल उठे। बहरहाल, डॉक्टर सुनील श्रॉफ है मैनेजिंग ट्रस्टी हमारे साथ मोहन फाउंडेशन के। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। और आप लोग एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों की मदद होती है। आप किस तरह से देख रहे हैं जो ये खबरें आईं और राजस्थान से जिस तरह से ये डिटेल्स मिली, कई और राज्य भी इससे जुड़े हुए हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसे? ये प्रॉब्लम जो है, यह प्रॉब्लम एक प्रोसीजरल प्रॉब्लम है। जो एनओसी आई है एक ऑथराइजेशन कमेटी से, खास करके जो पेशेंट्स विदेश से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, उनके एनओसी, उस एनओसी कैसे वो प्रोसीजरल काइंड ऑफ बाईपास हुआ है, इसका मुझे कुछ अंदाज नहीं है। पर जो हमारा जो ट्रांसप्लांट का जो लॉ है, जो नियम है, कानून है, वो काफी अच्छा लॉ है, और इसमें हमारे 21 अलग अलग फॉर्म्स हैं ट्रांसप्लांट के लिए। और जो लिविंग ट्रांसप्लांट होते हैं, जहाँ पे यू नो एक आदमी जो जीवित है वो अपनी 2 किडनी है तो 1 किडनी दे सकता है दूसरों को, तो वो जो प्रत्यर्पण होते हैं, डोनेशन होते हैं, वो कॉमन है हमारे देश में। तो उसमें जो एनओसी जो आता है वो एक जॉइंट एप्लीकेशन होता है फॉर्म नंबर 11 में, जो डोनर रिसिपियंट भेजता है ऑथराइजेशन कमेटी को। ऑथराइजेशन कमेटी उसके बाद उनका इंटरव्यू करती है टू एंश्योर कि इसमें कोई ऑर्गन कॉमर्स नहीं है।
जो ऑर्गन डोनेशन हो रहा है दिस इज प्योरली अल्ट्रुइस्टिक, उस विचार से हो रहा है। तो जो एनओसी आता है वो ऑथराइजेशन कमेटी से आता है कि ये जांच कर चुके जी हैं एंड इसमें कोई ऐसा कोई लेन देन नहीं है। और विदेशी पेशेंट्स में तो एम्बेसी का भी एक 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 एफिडेविट आता है। और जो हमारे फॉर्म जो है ना ट्रांसप्लांट के, जो डोनर जो साइन करता है उसमें क्लियरली लेड आउट है, जो एक्चुअली एक नोटरी साइन करता है वो फॉर्म, इज लाइक एन एफिडेविट कि उसमें कोई कॉमर्स नहीं है, इसी विचार से वह डोनर अंग किडनी डोनेट कर रहा है। तो सर, इसमें बिल्कुल मेरे कानून विचार तो से बने ही ठीक होते हैं, लेकिन जो ये धांधलियां होती हैं, क्योंकि जो एनओसी एक कमेटी देती है और जिस व्यक्ति ने दिया, हाँ पता लगा वो तो व्यक्ति थे ही नहीं, वो है ही नहीं वहां पर, बहरहाल कार्रवाई उस पर हुई। लेकिन अंगदान एक बहुत ही नेक काम है। एक मैं एक काम ग्राफिक के जरिए बताती हूँ अंगदान करने वाली हस्तियां, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिन लोगों को अंग चाहिए होते हैं, अगर हम लोग अंगदान करें तो उससे लोगों को फायदा हो सकता है और इस तरह के घोटाले और घपले सामने नहीं आएंगे। तो अंगदान करने वाली मशहूर हस्तियां अगर आपको बता दें, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, आमिर खान, सलमान खान, माधवन, नंदिता दास, ऐश्वर्या राय बच्चन, अनिल कुंबले, नवजोत सिंह सिद्धू। तो इस इन लोगों को दिखाने का मायना ये है कि किस तरह से इन लोगों ने अपने जो अंगदान करने की बात पहले से कह दी है, और यही एक तरह से बहुत नेक काम माना जाता है। सर, हमारे लोग इसके प्रति जागरूक हो, क्योंकि जिसको कोई अंग मिलता होगा, जिसका अपना बचता होगा, लिवर और सबसे ज़्यादा देखा किडनी का किस तरह से ज़रूरत है, ये एक बहुत नेक काम भी है। लेकिन आप क्या कहेंगे इस पर? घबराते हैं शायद लोग। नहीं, इस बात ऐसी है कि एक तो लिविंग डोनेशन होता है और एक मृत्यु के बाद डोनेशन होता है, ब्रेन डेथ खास करके। तो ये दो अलग तरह के डोनेशन हैं। जो आपने दिखाई, जो हमारे सेलिब्रिटीज ने जो ऑर्गन टेस्ट दी है वो मृत्यु के बाद डोनेशन की दी है। और ये बहुत नेक काम है। और हमारे देश में 2023 में सबसे 1,000 करीब 37 डोनेशन हुए, जिससे करीब 3,000 ऑर्गन्स निकले। किडनी के अलावा लिवर, हार्ट, लंग, पैंक्रियास, सब ऑर्गन्स निकले हैं। एंड अगर ये अंगदान हमारे देश में बढ़ता है तो लिविंग डोनेशन कम हो जाएगा नेचुरली, क्योंकि क्या है ना, डिमांड सप्लाई का ये प्रॉब्लम है। एंड किडनी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपके पास दो किडनी है तो हम बोलते हैं वन टू केयर एंड वन टू स्पेयर। तो जो अगर आप, इफ यू आर इन गुड हेल्थ, यू आर एबल टू डोनेट योर किडनी। तो उसमें क्या होता है ना, गरीबों को एक्सप्लॉयट कभी कभी किया जाता है, वहां से किडनी आती है। पर ये जो जो प्रोसीजर जो बनाया है गवर्नमेंट ने, काफी फूल प्रूफ प्रोसीजर बनाया है। हमारे लॉ का काफी अमेंडमेंट हुआ है, लॉ बहुत अच्छा है हमारे पास। प्रॉब्लम है, प्रोसीजरल प्रॉब्लम है, कहाँ पे एनओसी आया, कैसे वो निकला। तो इसमें खाली डॉक्टर जी, ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल, सभी स्टेक होल्डर्स और नेक्सस होता है, तभी तो ये धांधली होती है, सिर्फ एक दो व्यक्ति से नहीं चलता। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपकी जो फाउंडेशन है बहुत नेक काम कर रही है, जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा है कि भारत 2024-25 में ही 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अमेरिकी डॉलर के हिसाब से फिलहाल भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है।